यार मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और अगेन मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको स्किन और हेयर के टिप्स देने वाला हूँ तो गलत फहमी आपकी। आज मैं हट के वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है एक जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर जो हर कोई फेस कर रहा है, हर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये जाने अनजाने में हम अपने बच्चों के साथ ही, छोटे बच्चों के साथ ही ये जो नाइंसाफ़ी कर देते हैं। मतलब उनको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती और हम अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं और ये हमारे बच्चों को इन फ्यूचर उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है उनकी क्रिएटिविटी लेवल को और उनके डेवलपमेंट पे, ब्रेन डेवलपमेंट में। तो मैं हूँ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं आज आपको बताऊँगा किस तरीके से हम अपने छोटे बच्चों के, या आपके अगर आपके बच्चे हैं या नहीं है, या कोई आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं, या आपके रिलेटिव में कई बच्चे हैं आपके, कई बार होता ना कि आपके भाई बहन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आपने देखा होगा उनके घरों में आज की डेट में। यार मैं जब छोटा था ना, कि मैं बहुत छोटा जब हुआ करता था, तो एक छोटे छोटे बच्चे, सारे बच्चे, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, हम लोग आदत बना लेते हैं कि जब खाना खाने बैठते हैं तो हमको टीवी देखनी है। ठीक है, मैं एक आदत, मेरी आदत बन गई थी कि मुझे सुपरमैन देखना था। मतलब तो मैं बहुत शिद्दत करता था, मैं खाना नहीं खाता था और मैं पापा को बोलता था, पापा का सॉफ्ट कॉर्न होता था ना तो मम्मी पकड़ के ना मारती थी, पियो दूध, पियो दूध, पियो, खाना खाओ। तो मैं पापा को बोलता था, पापा मेरे को सुपरमैन देखना तो मैं खाऊंगा। तो मेरे पापा सुपरमैन की वो वीडियो कैसेट जो होती ना वो लगा देते थे कि ओके, और मैं वही वो एपिसोड को रिपीट 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 देखता रहता था। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था कि वो सुपरमैन वहाँ से आ रहा है और स्पाइडरमैन आ रहा है और ये आ रहा है, वो आ रहा है, और वो बहुत मज़ा आता था। और ओके, और धीरे धीरे खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ये एक आदत बन जाती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है हमें देखने में। बट इससे होता क्या है आज की डेट में, क्या करने लगे, टीवी में तो नहीं, लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अभी दिक्कत क्या आ रही है, बच्चे ने मोबाइल, उसको पसंद में आ गया कि ओ मैं रोऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे मोबाइल मिलेगा और उसमें मैं टीवी देख, उसमें गेम खेलूंगा या मुझे उसमें कार्टून देखने का मिलेगा या कुछ भी। या आज की डेट में तो आप देखो ना, बिकॉज ऑफ कोरोना की छोटे बच्चों को मोबाइल में ही क्लासेस चालू हो गई हैं, तो वो भी आपके बच्चों में आई स्ट्रेन कराता है। आपको इस चीज़ में बता दूँ कि 3 से 4-5 साल तक हमारे ब्रेन डेवलप, 90% ब्रेन डेवलप होता है ये 3 से 5 साल के बीच में। मतलब ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो लाइफ लॉन्ग चलता है। आपको जितनी भी स्किल्स हम सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, लाइक अगर 1 साल का बच्चा है तो वो जो मोटर ग्रास्पिंग पावर सीखता है, उससे बड़ा बड़ा पकड़ने का सीखता है, या 2 से 3 साल के बीच में जो फाइन सेंसरी मूवमेंट होता है या फाइन पेंसिल पकड़ने का मूवमेंट होता है ये सीखता है, या 4 से 5 साल में लर्निंग सीखता है, बोलना सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर हम उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, बहुत से पेरेंट्स भी गलतियाँ करते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं बच्चा रो रहा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब उस परेशानी से बचाने के लिए उसको उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं कि ले तू मोबाइल से खेल, और बच्चा भी उस चीज़ को आदत बना लेता है, उसको मजा आता है कि मोबाइल में कुछ ना कुछ उड़ रहा है, कुछ चमकीला हो रहा है, कहीं कुछ ये जा रहा है, कहीं वहाँ से वो आ रहा है, कहीं बतख उड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको बहुत मजा आता है और वो अपनी आदत बना लेता है। उसको पता है कि वो रोएगा और उसको मोबाइल मिल जाएगा और वो उसमें वो दिखेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब वो मोबाइल को पास में रखता है उसकी आँख में स्ट्रेन पड़ रहा है, ये उसकी डेवलपमेंट ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने सराउंडिंग के सारे गेम्स छोड़ देता है, वो सारी चीज़ें छोड़ देता है, वो कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाता है, वो दिमाग लगाता है सिर्फ मोबाइल में वीडियो देखने में, उसकी आई में स्ट्रेन पड़ रहा है। चश्मे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को आजकल चश्मे लगने लगे, बहुत कॉमन हो गया यार, क्यों हो गया, बिकॉज आई में स्ट्रेन पड़ रहा है, वो पास से बैठ के मोबाइल देखता रहता है, बिकॉज पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, माँ ने भी छोड़ दिया, और लो तुम खेलो मत शांत रहो, एक मोबाइल दे ही दिया सबके ने कि लो तुम खेलते रहो। और एक बहुत कॉमन, मेरी कजन सिस्टर है विशा, उसकी मैंने बेटी को देखा, वो भी दिन भर मोबाइल में खेलती रहती है। तो ये बच्चों को आदत पड़ चुकी है, हमें ये आदत को छुड़ाना है। इससे होगा, हो क्या रहा है कि ब्रेन डेवलपमेंट जिस फेज में होना चाहिए वहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट होता हो ही नहीं पाता है। मतलब अगर आपको 4 से 5 साल के बीच 90% ब्रेन डेवलप होना है फॉर दिस स्किल, फॉर मोटर स्किल, फॉर सेंसरी स्किल, फॉर ग्रास्पिंग स्किल, या जो भी आपको सीखना है, बच्चों को सीखना चाहिए जिस फेज में जो होते हैं, वो फेज आ ही नहीं पाते हैं। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चे की डेवलपमेंट रुक गया है, ग्रोथ रुक गई है, उनका दिमाग कम वर्क करता है, तो ये इन फ्यूचर भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज वो प्रॉपर चलना नहीं सीख पाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते हैं, दिन भर बैठ के मोबाइल में खेलते रहते हैं, आँख भी खराब हो रही है और दिमाग भी तो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये हमें इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सबसे अच्छा है कि आप बच्चों को देखिए, एक होता है कि आज के डेट में माँ और बाप दोनों वर्किंग होते हैं, पहले के हमारे स्टेज में तो जब हम छोटे बच्चे थे तो एक सिंगल पेरेंट्स ही पापा काम करते थे, मेरी मम्मी भी एडवोकेट थी, मगर जनरली
80% फैमिली में मदर घर पे हाउस वाइफ होती है, तो बच्चों को संभाल लेती है, बट आज की डेट में हाउस वाइफ नहीं होती है, मदर भी काम कर रही होती है, पेरेंट्स भी कर, फादर भी काम कर रहे होते हैं, अभी दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो अभी करना क्या, उनको बहुत ईजी चाहिए, शाम को आते हैं खाना पीना बना रहे हैं या बच्चे रो रहे हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, वो मोबाइल देते हैं। सबसे बड़ी गलती वही यही कर रहे हैं आप। प्लीज़ मेरे पास जब ये गिफ्ट कॉलो का जब ये मेरे पास उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि उनके पास ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये जनरल पब्लिक में अवेयरनेस के लिए हमें उनको वीडियो बनाना है, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं इस चीज़ को लेके वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये एक जनरल जो गलत फहमी है लोगों को और ये जो जाने अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें ना हो, मतलब एक अच्छा बच्चों को, मतलब एक छोटे बच्चे हमारे भविष्य हैं और उनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जाने अनजाने में उनके डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हैं, ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, और फिर हम बच्चों को ही प्रेशर देते हैं कि जब पढ़ाई लिखाई में जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो हम उन्हीं पर प्रेशर देते हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो। यार आपने अपनी गलती देखी है कि आपने उसको जिस समय उसका ब्रेन डेवलप होना चाहिए था, आपने उस समय, आपकी गलती थी, आपने उसको मोबाइल दे दिया, अब आप उसको प्रेशर दे रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो कि तुम टॉप करो, आप उसको प्रेशर कर रहे हो कि नंबर अच्छे लाओ, तुम पढ़ाई करो, तुमने ये करा वो करा, वो कहाँ से लेके आएगा, उसको दिमाग तो डेवलप ही नहीं हो पाया है, वो गलती इसमें आपकी थी। तो ये जो प्रोएक्टिविटी किट सेट है, इट्स अ वेरी गुड सेट, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक सेंसोरल कॉग्निटिव बच्चा जो होता है, इसमें जो गेम्स हैं 20 डिफरेंट टाइप के गेम्स हैं, इसमें वो 90 डिफरेंट टाइप से सीख सकता है, लाइक न्यूमरेसी है, लिटरेसी है, एसेसरीज है, बहुत सारी हैं, और ये सबसे अच्छी बात है प्लास्टिक के नहीं बने, ये वुड के बने, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो डैमेज करेगा उनको या प्लास्टिक का कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, नंबर्स हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शेप को कैसे सीख सकता है, शेप के बारे में जानना है उसको, या कलर के बारे में जानना है, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं यार इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं खेलने में, उसको आप जब कोई गेम देते हो बच्चों को, गेम तो आप देते ही हो, ऐसे गेम दो जिसे वो सीखे भी, अगर वो यार मेरे साथ मैं आप लोगों के समय भी ऐसा होता होगा, WWF के ऐसे ताश वाले आते थे, WWF के आते थे उसमें, और मेरे स्कूल में बच्चे लेके आते थे मेरे फ्रेंड्स, मेरे पास तो नहीं हुआ करता था, और वो दिखाया करते थे WWF WWE के वो गेम पत्ते आते थे, उसमें वो बना हुआ है, उसमें कहीं कोई खली बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, और पता नहीं क्या क्या बना होता था, मतलब वो याद भी नहीं है। तो आप इस टाइप के गेम्स जोन है वो लेके घूमेंगे और सीखेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट फूड हैं, डिफरेंट माउंट्स के माउंटेन के बारे में दिया है, बर्गर के बारे में, तो उनको ना समझ में आएगा अच्छा ये क्या होता है, और वो उनको देखो ये एक ऐसी एज होती है जब उनको स्कूल में शो ऑफ भी करना होता है, तो 5-6 साल का बच्चा है वो अपने स्कूल में लेके जाएगा, ओ मेरे पास ये देखो मेरे पास ये, इससे पढ़ाई भी हो रही है, उसको पता है, वो आपसे पूछोगे ये क्या है, वो कहेगा पैंडा इसमें लिखा हुआ है, आप उसको सिखा रहे हो, तो चीज़ें ऐसी दो जिससे वो फ्यूचर में भी उसको काम में आए, मतलब आप जनरल देते तो गेम तो देते ही हो, मोबाइल में खेल रहा है कहीं कुछ खेल रहा है, मोबाइल में राइम्स लगा दे तो नो यार ऐसा क्यों कर रहे हो, उस इतने सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं उसमें, बहुत सारे एडिंग करना सब्सक्रिप्शन करना सीख सकता है, वहाँ पे बहुत इजी है किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो, क्या सब्सक्रिप्शन, मैथ इंग्लिश सब कुछ है इसके अंदर, गेम्स आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, पूरी बुकलेट है कैसे करना है, ये देखो आप इसमें कितना अच्छा अच्छा दिया हुआ है, गेम्स तो इतने सारे हैं इसके अंदर कि आप प्लेसेस टू विजिट, उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे उसे विजिट करना है क्या है, देखो ये फ्यूचर भी डेवलप कर रहे हो आप उसको, यही चीज़ें हम पढ़ते हैं क्लासरूम में, बट हम बुक में जब देखते हैं तो वो हम बोरियत लगती है, बट हम जब गेम के थ्रू खेलते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को एक अलग ही मज़ा आता है, और वो पता है सबसे अच्छी चीज़ कब सीखता है वो, जब वो ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के बीच में बैठ के देख रहा होता है, उसके दोस्त भी सीखते हैं और वो भी सीखते हैं, वो पूछे दोस्त भी पूछते हैं ये क्या है, वो देख के बताएगा अच्छा ओके ये ऐसा है ये है ये वो है, और ये उसके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाता है, और यही जब उसके एग्जाम टाइम में आपको जरूर, अब यही चीज़ हम सिखाते भी बच्चों को कि ओके ये प्लेस ताजमहल था, वो प्लेस ये था, उसको गेम ऐसे दोनों होना कि जिसमें उसको वो सीखने को मिले, और फ्रेंड्स के साथ देखो आप जब उसको डंडा लेके बैठोगे ना तो वो नहीं सीख पाएगा, उसको प्रेशर लगेगा, उसको लगेगा यार मेरे को ही जबरदस्ती दिया जा रहा है, बट आप उसको गेम इतने अच्छे दोगे जिसमें सब चीज़ उसको मिलेगा, सब चीज़ें अंदर उसके अंदर इतना सब कुछ है ना यार, मतलब इतने सारे गेम्स हैं ना कि काश मेरे समय में मेरे समय ये सब चीज़ें होती तो मेरे को डंडे कम पड़ रहे होते, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मुझे झाड़ी कम पड़ती, झाड़ू मैं फेल हो जाता था तो मैं बहुत डरता था, इतने अच्छे अच्छे गेम्स हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गेम्स से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को मोबाइल ना दें, आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, और ये हर किसी के साथ हो रहा है, मेरी बात को आप
मान लो, मान आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप आज ही जाइएगा, और जिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके खुद के घर में छोटे बच्चे हैं, आप देखिएगा कितना मोबाइल को पकड़े रहते हैं वो। आपके घर में छोटे बच्चे नहीं, आपके आस पड़ोस में आप उधर देखिएगा, वहाँ पे भी वो उनको मोबाइल में ही खेलते रहते हैं। वो सबसे गलत चीज़ है। अगर आपने कहीं भी देख रहे हैं किसी भी बच्चे को मोबाइल में खेलते हुए, प्लीज़ उसको मना कर दो। मोबाइल से रेज निकलती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि आप मोबाइल कम से कम यूज़ करो, मगर आप छोटे बच्चे को लेके बैठे हो, कितनी हार्मफुल रेज निकलती हैं उससे। उसके डेवलपमेंट के समय आप जब ये सब चीज़ दे रहे हो, तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर हो सकती है। देखो, ये रेडिएशन जो होते हैं, इसका भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा नहीं है कि वो कितना हार्मफुल है, कितनी क्या कर रहा है वो हमारी रेज जो है बॉडी में क्या इफेक्ट दे रही है। बट इन फ्यूचर ये मोबाइल, क्योंकि बिकॉज अभी 20-25 साल से मोबाइल आए हैं, इसका एग्जैक्टली डेटा नहीं है कि क्या कैंसर कॉज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लोग बोलते हैं ऐसा होता है, वैसा होता है, एक्चुअल किसी ने नहीं देखा है। बट वाई टू टेक अ रिस्क? जिस समय छोटे बच्चों को खेलना चाहिए विद गेम्स, देखो कोऑर्डिनेशन, आई और आपके फिंगर का मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब चीज़ें उठा उठा के इसमें डालेगा, जब खेलेगा, कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पे रखना है, कौन सा शेप है, राउंड है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, वो शेप जब खेलेगा दिखेगा तभी तो होगा ना, मोबाइल में बैठ के नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी जो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे, तो प्लीज़ उनको एक गिफ्ट दो। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पूरे वुड के बने हुए हैं। और ये मैं लिंक डाल दूंगा आपको, जो मिलेंगे वहाँ पे मैं कोड भी दे दूंगा आपको, कि अभिनीत गिफ्ट करके कोड है, मैं आपको वो दे दूंगा, वहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लीज़ अपने छोटे बच्चों के लिए, यार इतना तो आप दुनिया के खर्चे करते हो, अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट ये थोड़ा सा खर्चा तो कर ही सकते हो, जो उसके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा। और आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप जब मोबाइल, देखो मोबाइल भी सस्ते नहीं आते, आप मोबाइल को लेके दे देते हो, बच्चे तोड़ देते, खेलते खेलते गिरा देते, और वो बजाते रहते हैं कहीं ना कहीं। मतलब मेरे को तो बहुत ही चिड़ मस्ती, जो बच्चे जो वो गेम गाने बजाते रहते ना, धड़ा धड़ा तेज बजता, बातें कर रहे हो कहीं कुछ, आप उनको ये गेम दे दो, खेलेंगे यार और सीखेंगे। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सीखना। तो ये सीखेंगे तभी जब आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करोगे, बट उनके फ्यूचर के लिए आप उनका फ्यूचर बना। ये सारे गिफ्ट आपको, ये सारे गेम आपको मिल जाएंगे giftwally.com पे। वहाँ पे जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो, डिफरेंट एज वाइज, स्किल वाइज, और अलग अलग तरीके से उनमें गेम्स के सेट हैं। आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो अपने पसंद का। और सबसे अच्छी बात है, ये अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल भी डिलीवर करते हैं। तो यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के लिए, इतना सा तो आप कर ही सकते हो, एक ये छोटा सा। आप अपने लिए मेरे वीडियो देख के इतने महंगे महंगे क्रीम्स खरीदते हो, मुझे पता है कि आप लोग मतलब इतना तो अपने बच्चों के लिए करोगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। प्लीज़ कोई भी इशू हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। ये थोड़ा हट के वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं मुझे अपना बचपन याद आ गया था, और मैंने कहा यार ये चीज़ ऐसी है कि हमें उसको, एक चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। एक्चुअली मैं इसको एक अच्छे कॉज के लिए भी प्रमोट कर रहा हूँ, कि आप लोगों को अपने बच्चों के लिए फ्यूचर को बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको ज़रूर लीजिएगा। टेक केयर।